सरकार मारी तो जितनी भीड़ हटाई होगी तो झाड़ी जगी राजा ने की चौने आगे चुनाव लड़े आगे का परेशानी है तुम्हें और ये क्या मतलब है हमारे लिए दस दस रुपए सभी साथियों के लिए जो मसा शिव सिंह की तरफ से जो तारी के रहने वाले हैं और ये 100 रुपए से हमारा सम्मान किया दस दस रुपए से सभी साथियों का जो हमारे फौजी भैया हैं उनकी तरफ से पुरस्कार आया है। हम परमात्मा से आराधना करने कर धर्म की ओर हाथ बढ़ाना सब बुद्धि प्रदान करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की अपने के संग शादी ए तनी खुशी कमला फूली ने समावे
अब तब ये भाई बिना किया बिनते अब हम कहते ना सही हुई बड़ी खुश इतनी खुश भाई कछु कहीं नहीं और पैसे हल्लड़ किया खुशी होते हैं जब जंत जाते का तब वैसी काम का होते हैं यार मैया रे तू आ जाइए भैया रे तू चलो जाइए फिर मारा ना पे पसी जात मार से उल्टी से आ जाए काम का और गत्ते निकर इतना तो देखो न्यू लगता सके काम जब तो का तो ध्यान रखना आज कमला को बड़ी खुशी हुई है अपार खुशी हुई है अब हमारी सादे अयोध्या नरेश त्रिशंकु महाराज के साथ में होगी अब मंत्री को भेजो के जाओ और राजा की दुआ करो तो आज मंत्री आए थे मंत्री की महाराज चलो सभी अपनी बराते ले चलो और दाव चाहे दाव ठीक आ रहे लेकिन विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता है तरमगत टारे ना तरी गुरु वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी शोध की लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को बन बन विपत परी कर्मगत टारे नाय का फंदा का फंदा डारो कहां पे मृग चले और कितनों पांव धरे पति पति की फंदई में पांव चुने उसे नाना बात सही है का गंत है कर्मगत टारे नाय तरे तो ध्यान रखना कर्म की गति को कोई मेटने वाला नहीं है तो आप उस समय श्रोता बंधु जब त्रिशंकु महाराज आने के लिए बड़े लेकिन रास्ता में बहुत क्या अरे नाहर तीनों मार गुरुदेव अरे लौट रहो रघुकुल तो वे चैया चाटो मारियो तो बहुत तेज लग गया
चोट पे लग जा तू। ऐसे राजा ने हटावे के चक्कर में अब गदा का प्रहार किया गैया के ऊपर की झाती दे, लेकिन वो गदा कैसी बैठी जम गए। अरे भूपति की समझ भूत गई।